हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवशंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आइए आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक प्रमोटर के बारे में। यूकैरियोटिक प्रमोटर होता क्या है, आइए आज हम आपको बताते हैं। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर आल सीक्वेंसेस दैट आर इम्पॉर्टेंट इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन। यानी कि प्रमोटर वे ऑल सीक्वेंसेस होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रमोटर। वही हम बात करेंगे यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में डिफरेंट पाए जाते हैं, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये थ्री डिफरेंट काइंड के जो है आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं यूकैरियोट में, जबकि ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में पाया जाता है, ठीक है। अब वहीं पे हम बात करेंगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, ठीक है, या आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है, या आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ये जितने भी आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट में उनका क्या होता है, एक अलग अलग प्रमोटर साइट होता है जहाँ से ये क्या करते हैं, आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। तो आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट प्रमोटर कंसिस्ट ऑफ अ कोर प्रमोटर, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो क्या करता है, कोर प्रमोटर को कंसिस्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड -45 and +20। यानी कि हम अगर डीएनए की बात करें तो उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये मान लीजिए कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड, और ये है आप टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो सेम सीक्वेंस होते हैं आरएनए, न्यूली जो सिंथेसाइज आरएनए होगा उसके जैसे, ठीक है, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है आरएनए के, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्रमोटर होता है, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है सपोज दैट, और ये प्रमोटर वो साइट होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के आता जाके बाइंड होता है और वहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होती है और आरएनए न्यू सिंथेस आरएनए की सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उसका जो प्रमोटर साइट है वो कैसा प्रमोटर कंटेन करता है, कोर प्रमोटर, ठीक है, जिसमें अपस्ट्रीम साइड पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपस्ट्रीम को माइनस या नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, जबकि डाउन स्ट्रीम को हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या आता है इसको पहले समझिए, प्लस वन, और यहाँ पे जो है जितनी भी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, यानी कि ये अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि ये इनिशिएशन साइड जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन यानी कि ट्रांसक्रिप आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी उसको हम बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट या इनिशिएशन साइड, स्टार्ट पॉइंट। और यहीं पे क्या होता है, इसके राइट साइड में जितने मतलब उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं अप डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, और इसको हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से,
और अप स्ट्रीम को हम डिनोट करेंगे माइनस एन। तो यहाँ पे देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर साइट है वो कहाँ पे होता है, माइनस 45 एंड प्लस 20 पे, ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के बीच में जो सीक्वेंस होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या आता है, कंट्रोल एलिमेंट अबाउट 100 बेस पेयर फर्दर अप स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, देख सकते हैं आप, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो प्रमोटर साइट दिखाया गया यहाँ पे देखिए, अप स्ट्रीम ए और यहाँ पे प्लस 20 न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे देखिए माइनस 45 न्यूक्लियोटाइड को दिखाया गया है। वहीं पे अप स्ट्रीम साइड में क्या होता है कि माइनस 100 न्यूक्लियोटाइड होता है। जो ए सीक्वेंस होते हैं वो ए डिनोट करते हैं कि इसका क्या है, प्रमोटर साइट है, और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके यहाँ पे सबसे पहले बाइंड होता है, ठीक है, और जो आरएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट होती है वो आके यहाँ पे बाइंड होगी इस साइड पे, और आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस इनिशिएशन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं पे हम बात करेंगे अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की। तो आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट काइंड के आरएनए प्रमोटर होते हैं जो डिफरेंट काइंड के आरएनए की सिंथेसिस करता है। इसमें पहला जो होता है टाइप फर्स्ट प्रमोटर देखिए क्या करता है, रिक्वायर्ड टू इंटरनल एलिमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। पहला इसमें ए ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, और ए कहाँ पे लोकेट होता है, डाउन स्ट्रीम, यानी कि प्लस साइन है तो डाउन स्ट्रीम 50 एंड 70, ठीक है। दूसरा जो इसका इंटरनल एलिमेंट साइट होता है वो होता है सी ब्लॉक, जिस जो जहाँ पे प्लस 80 और प्लस 90 जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं वो इनके बीच में इसका क्या है, प्रमोटर साइट होता है, और ये यहाँ पे बाइंड होते हैं जिस जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए रिस्पांसिबल कौन सा जीन होता है, वो होता है 5S आरएनए जीन, जो क्या जब ट्रांसक्राइब होता है तो ये बनाता है 5S आरएनए जीन। अब हम बात करेंगे इसके आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के टाइप सेकंड प्रमोटर। अब बात करेंगे हम टाइप सेकंड प्रमोटर की। जो टाइप सेकंड प्रमोटर होता है वो फाउंड होता है डाउन स्ट्रीम पे, यहाँ पे इसमें हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ब्लॉक ए और बी लोकेटेड होता है विद इन द ट्रांसक्रिप्शन रीजन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं फिगर में कि बॉक्स ए जो है वो प्रेजेंट होता है प्लस 10 और प्लस 30 के बीच में, जबकि बॉक्स बी जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लस 50 और प्लस 70 के बीच में। ये जो प्रमोटर होता है वो डाउन स्ट्रीम साइड में पाया जा रहा है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है, उसमें सेकेंड जो टाइप का प्रमोटर है यहाँ पे पाया जा रहा है, और ये टी आरएनए जीन जो इस रीजन पे लोकेट होता है और ये जब ट्रांसक्राइब होता है तो टी आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे टाइप थर्ड प्रमोटर की, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रमोटर का जो टाइप थर्ड है वो जो होता है पाया जाता है U6SNRNA जीन, ठीक है, यानी कि U6SNRNA जो जीन होता है इसको ये क्या करता है, इस वाले रीजन पे पाया जाता है, और जनरली देखेंगे आप अपस्ट्रीम साइड पे, ठीक है, अपस्ट्रीम रीजन कह लीजिए, ठीक है, या प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर अपस्ट्रीम प्रमोटर, ठीक है, यहाँ पे देखिए। और ये जो स्टार्ट पॉइंट है उसके उससे अप स्ट्रीम साइड पे
-30 और -60 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो है डिफरेंट काइंड के प्रोमोटर यहाँ पे लोकेट हैं। देखिए जैसे टाटा बॉक्स हो गया, पीएससी बॉक्स हो गया। टाटा बॉक्स जो है -30 30 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम में फ्रॉम द स्टार्ट साइड पॉइंट से, ठीक है। इसके अलावा भी और भी इसमें अपस्ट्रीम साइट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि -244 एंड -214, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट काइंड के प्रमोटर होते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर यहाँ पे आके क्या होता है, असेंबल्ड होता है। और यहाँ पे आके जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इस जीन को क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, U6SNRNA जीन जब ट्रांसक्राइब होता है तो फॉर्म्ड करता है U6SNRNA, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, एमआरएनए के स्प्लाइसिंग में ये जो U6SNRNA जो होता है ये हेल्प करता है एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रमोटर के बारे में, ठीक है। अभी हमने आपको बताया आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रमोटर, जिसमें थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड प्रमोटर जो फाउंड होता है टीआरएनए जीन में। और इसमें दो साइट होती हैं, ए और बी, जो लोकेट होता है प्लस डाउन स्ट्रीम साइड पे, ठीक है। वहीं पे टाइप जो थर्ड प्रमोटर होता है वो लोकेट होता है U6SNRNA जीन को, जहाँ पे ट्रांसक्राइब होगा और फॉर्म करेगा U6SNRNA, ठीक है, जो mRNA के स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। अब हम डिटेल में जानेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रमोटर के बारे में।